गुजरात और हिमाचल के चुनावों के बाद सुखबकाहट केंद्र में कैबिनेट मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी होने लगी है। चर्चाएं तो इस बात की भी हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं। फिलहाल इन तमाम चर्चाओं के बीच दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनावों के आकलन के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा बदलाव के फेरबदल की पहली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। अगले साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार देखने को मिल सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में लंबे समय से फेरबदल की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ महीने के भीतर अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से ही चला तो जल्द ही मोदी कैबिनेट में कुछ फेरबदल होंगे। ये फेरबदल अगले साल होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए किए जा सकते हैं। 2021 जुलाई में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हुए हैं। इन्हीं डेढ़ साल के बीच में अलग अलग राज्यों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं जिसमें सियासी बिसात पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल और बदलाव की चर्चाएं हैं। सूत्रों का कहना है क्योंकि अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं और अगले साल कई राज्य में चुनाव होने हैं, इसीलिए मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की गुंजाइश बन रही है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खराब है उनको या तो मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है या उनके मंत्रालयों में फेरबदल किया जा सकता है। करीब 5 महीने पहले मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की जब चर्चा हुई थी तो तकरीबन 1 दर्जन मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव की बात सामने आई थी। सूत्रों का यह कहना है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। फेरबदल और जिम्मेदारियों में बदलाव इसी रिपोर्ट के आधार पर किया जाएंगे। वही केंद्र सरकार ने 8 पॉइंट के आधार पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने का पूरा ब्यौरा मांगा है। जानकारी के मुताबिक 8 पॉइंट में ये देखा जा रहा है कि सरकार की योजनाओं को किस स्तर पर जमीन पर उतारा गया है। देखा यह भी जा रहा है कि क्या राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से उतारा है या नहीं। ऐसे ही और कई पॉइंट्स में मंत्रियों को भी कसौटी पर कसा जा रहा है और इसी आधार पर फेरबदल की गुंजाइश बन रही है। दरअसल अगले साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा मंत्रिमंडल बदल की सुगबुखार अब तेज हो गई है। सूत्रों का यह कहना है क्योंकि फेरबदल की चर्चा इसी साल जुलाई और अगस्त के बीच में हो रही थी लेकिन गुजरात हिमाचल के चुनावों के चलते ऐसा नहीं हो सका। 2 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं इसलिए संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ महीने में फेरबदल की गुंजाइश बने। दरअसल इस दौरान महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे में भी कुछ फेरबदल करेगी। हालांकि ये फेरबदल किस स्तर का होगा इसको लेकर अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो फेरबदल होंगे वह अगले साल से लेकर 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग राज्यों के चुनावों के लिहाज से ही किए जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।